प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नई नए तरीके से नई सोच के साथ। अगर किसी कार्य की अपन सेफ्टी से काम करते हैं, सुरक्षा से देखते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम चलती है। इस बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, उसमें करना क्या है अपन को। ये सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन को रेगुलर परमानेंट अच्छी चले, सिलाई अच्छी दे और अपना काम अच्छी तरह से करें, उसके लिए करना है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, सबसे पहले जब हम रात को मशीन काम करने के बाद छोड़ते हैं या मशीन चलाते हैं, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले ये सोचना है कि मशीन की सुरक्षा और सफाई किस तरह से हो। अगर ये कार्य आप करते हैं तो आपकी मशीन कभी भी खराब नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने, अब शाम हो गई, माना ये मानते हैं कि अब शाम हो गई, अब अपन काम नहीं करना है हमको, तो इसमें क्या करना है, करना क्या है, सबसे पहले इसकी सफाई करनी है और फिर इसमें रात को ही ऑयलिंग देनी होती है। और रात को अगर आप ऑयलिंग दोगे और सफाई करने के बाद दोगे, सुबह आपकी मशीन बिल्कुल नई जैसी चलेगी। उसके लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सफाई की। सफाई होती है, यहाँ से अपन धागा डालते हैं और यहाँ पर टेंशन में आता है, तो पहले टेंशन की सफाई, गज की सफाई और फिर दोस्तों ये होती है नाल, नाल की सफाई। इनमें छोटे छोटे कण फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मशीन सही तरीके से सिलाई नहीं दे पाती, आवाज़ करती है। उसको कैसे रोकना है, ये अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी मशीन बहुत अच्छी चलेगी और कभी ख़राब नहीं होगी। तो पहले मैं शुरू करता हूँ दोस्तों, एक कपड़े की सहायता से मशीन की सफाई, इस तरह से सफाई करते हैं ढंग से। और कोई भी पतला कपड़ा या लेयर जिसमें आपने दो तीन सिलाई लगाई और एक पतला हो, या नाड़े का टुकड़ा ले लें और इससे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये है टेंशन, इसमें बहुत सारा धागा है या कचरा फंसा होता है, या अपन बार बार धागा खींचते तोड़ते हैं तो छोटे छोटे कण इसमें रह जाते हैं। तो इसके लिए एक पेस्ट ब्रश जो आपके घर में होगी, ख़राब ब्रश ले लें, इसको इस तरह से यहाँ से साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद एक नाड़े का टुकड़ा, ये दोनों प्लेट्स होती है जिनमें के जिनके बीच में कोई धागा आता है, इसमें फंसा के इस तरह से फंसा के इसको साफ़ कर दें, जिससे कोई भी धागे का टुकड़ा होगा वो इसमें निकाल जाए। और फिर भी इसके लिए मुंह से एयर मार सकते हैं ऐसे फ्री करके, इस तरह से आप एयर मार दें, ये बिल्कुल साफ हो गया। अब आती है इसके बाद नाल, नाल की डिब्बी निकालें, डिब्बी निकालने के बाद ब्रश की सहायता से, पेस्ट ब्रश की सहायता से इधर साइडों में ये डोंगा होता है, ये शटल होती है। अब डोंगा जब नीचे आता है तो ये स्पेस खाली है, इसी तरह डोंगा इधर इस साइड में आएगा तो ये स्पेस खाली होगा, और इस तरह से ये इधर आएगा तो ये स्पेस खाली होगा। इसको ब्रश की सहायता से ऐसे ऐसे करके इसको साफ कर दें। ऐसा करने से कोई भी धागे का कण इसमें होगा वो पूरी तरह बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ तक हुआ, इसके बाद ये हमारा रिंग होता है, कई बार हमारी लापरवाही या गलती की वजह से धागा इसमें फंस जाता है, कोई धागे के टुकड़े यहाँ पर रह जाते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पर चलाते हैं तो चलाने के साथ क्या होता है, वो धागे के टुकड़े अंदर फंस जाते हैं और मशीन टाइट हो जाती है। इसको भी जिस नाड़े से अपन ने टेंशन साफ की थी उसी से इसको भी अपन साफ कर देते हैं। इस तरह से निकाल लिया और इसको इस तरह से अगर आप करोगे तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगा, कोई धागे का टुकड़ा होगा वो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर
बुश के लिए ऑयल जाने की व्यवस्था होती है, यहाँ से अपन ऑयल डालते हैं वो जगह भी साफ हो जाएगी और बढ़िया तरीके से। ये तीन काम करिए, अब इसमें ऑयल डालते हैं। अब दोस्तों सफाई करने के बाद अब अपन इसमें ऑयल डालेंगे। फर्स्ट डालते हैं अपन हत्थी में, जिससे अपन चलाते हैं। यहाँ पर ऑयल डालने से पूरी मशीन में, मशीन के जो हत्थी वाला पार्ट होता है, इसमें सब जगह ऑयल चला जाएगा, गिरारी वगैरह में। इसके बाद आता है सेकंड नंबर रिंग में। रिंग में डालने के लिए यहाँ पर डाला, अपन ने सफाई की है तो उसमें होल साफ हो गया, यहाँ से धागे हट गए। इसके बाद ये दो होल होते हैं, इन दोनों होलों में ऑयल डालना है। फिर आगे आते हैं, ये तीन होल होते हैं, ये वाला ऑयल, ये वाला और ये वाला, तीन है। तीनों का अलग अलग काम है। ये जो नथ होती है ये इसके लिए होती है, नथ इसमें अगर ऑयल डालेंगे तो नथ में जाएगा, इसमें अगर ऑयल, इन तीनों होलों में ऑयल डालना है, दो बूंद गज में भी और एक या दो बूंद इस वाले पार्ट में, बुश वाले पार्ट में। इसके बाद आती है नाल। नाल में यहाँ से ऑयल डालना है आपको, इसको घुमा देना है, शटल के ऊपर भी डालना है और इधर से भी, शटल को इधर से लेके भी इधर से डालना है, और ये इसको थोड़ा सा अपन चला दें। एक इसके अलावा आपको एक लिंक होता है इसके अंदर जो इसको चलाता है, इसको अपन ऐसे फंसाएं, फंसा के रखा हुआ है, रिंग घुमाते रहे। अब ये रुक गया, यानी कि यहाँ पे बुश आ गया, वो हल्का सा नीचे लेके, हल्का सा इस तरह से नीचे लेके बुश पे भी ऑयल डाल दें, और एडिटिव दो एक दो बार रिंग घुमाने के बाद इसको आप छोड़ दें, रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह इसको साफ करके अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, और आपकी मशीन नई जैसी चलेगी, आवाज़ कम करेगी, धागा नहीं तोड़ेगी, साथ साथ सुई भी नहीं तोड़ेगी, और सिलाई को परफेक्ट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सिलाई आ देगी। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब बोलो दोबारा, बोलो आज के वीडियो में, आज के वीडियो में ये आपको मैंने नया बताया दोस्तों, ऐसा करने से आप अपनी मशीन को लॉन्ग टाइम तक अच्छी सेफ्टी से के साथ रख सकते हैं, अच्छी सिलाई पा सकते हैं बिना परेशानी के। ये कार्य अगर आप डेली करते हैं तो मशीन बिल्कुल परफेक्ट और नई तरीके से हमेशा नई रहेगी। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ ही अगर चैनल पर दोस्तों नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।